हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज का जो टॉपिक होगा हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस की जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, उन सारी चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंट एंड रोल ऑफ फादर फैमिली कम्युनिटी, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बाल्य अवस्था एवं किशोर अवस्था, भारतीय किशोरों की समस्याएं, एक शिक्षक परिवार समुदाय की भूमिका। देखिए, आप एक शिक्षक बन रहे हैं और शिक्षक बनने के नाते से ये आपसे उम्मीद की जाती है कि ये जो एडोलेसेंस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो क्या कहते हैं कि घटनाएं होती हैं, ये जो बहुत सारी चीजों से क्या कहते हैं प्रभावित होते हैं, कौन, बच्चे लोग, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, चाहे वो बाल्य अवस्था में हो चाहे वो किशोर अवस्था में हो, उन सब प्रॉब्लम को जब वो क्रिएट होते हैं तो वो आप किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सोसाइटी किस तरीके से निकालेगा, एक टीचर उसका सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो है फैमिली का क्या रोल रहेगा वो सब हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, आप शिक्षक हैं इसलिए आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप उसका सोल्यूशन बेस्ट निकालेंगे कि बच्चे को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं, है ना, शिक्षक क्या कहते हैं प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो अब हम लोग यहां पर इस पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इसमें से इसीलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एडोलेसेंस के बारे में और चाइल्डहुड के बारे में, और इनकी जो प्रॉब्लम होती है इन प्रॉब्लम को आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको सोल्यूशन निकालेंगे, इसका जो सोल्यूशन आपसे निकलेगा अच्छे तरीके से। यही वजह है कि सीटेट बीटेट हर में ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी ये दे दिया जाता है कि जैसे कि ये जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस एज एक प्रॉब्लमेटिक एज क्यों है ये कहा जाता है कि आप लिखिए इस पे, एडोलेसेंस एज स्ट्रेसफुल एज क्यों है लिखिए इस पे, है ना, चाइल्डहुड को अर्ली स्कूल क्या एलिमेंट्री स्कूल एज क्यों कहा जाता है लिखिए इस पे। तो ये जो है ना सीटेट बीटेट हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको फॉर्मेट इस तरह से किया हुआ है कि मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा कि ये सीटेट में पूछा जाता है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। दो पॉइंट है यहां पर, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी कि बाल्य अवस्था एवं किशोर अवस्था। इन दोनों को मैं बता देता हूं, इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बट आपको मैं यहां पर रिकॉल कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में वो बात फिर से आ जाए। देखिए, पहला होता है आपका चाइल्डहुड यानी कि बाल्य अवस्था। ये जो एज होती है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम क्या बोलते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। कब से कब तक होता है, 2 से 6 साल तक होती है। उसके बाद होता है आपका लेट चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था, 6 से 12 साल तक होती है, कुछ लोग 14 भी मानते हैं, आपको दोनों याद रखना है। इतना समझ में आ गया। अब जो है हम लोग बात करेंगे और कुछ चीजें मैं इसको इसमें याद दिला देता हूं आपको। बाल्य अवस्था में और कुछ चीजें जो पूछी जाती हैं आपके कंपटीशन में और फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये तो समझ में आ गया, इसकी एज जो है दो भागों में बटा होता है। अब इसमें क्या क्या बातें आती है, इस एज को एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, इसलिए कि 6 से जब शुरू क्या कहते हैं कि 2 से शुरू हो रहा है, तो जब 6 साल या 4 साल का बच्चा होता है तो इस एज में क्या करता है बच्चा, स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसी वजह से एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है। ये याद रखना, बहुत बात पूछा गया है सीटेट बीटेट में। उसके बाद होता है आपका, इसको स्मार्ट एज भी बोला जाता है। स्मार्ट एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है ना किसी भी चीज को तोड़ेगा, मड़ोड़ेगा, फोड़ेगा, लगाएगा, जोड़ेगा, यानी कि चप्पल को काट के उसका पहिया बना लेगा, पापा क्या कहते हैं पापा की जो है क्या कहते हैं शर्ट पहन करके कुछ बन जाएगा, प्रोफेसर बन, तो ये चीजें जो है इसीलिए इसको स्मार्ट एज कहा जाता है। उसके बाद होता है आपका डर्टी एज भी कहते हैं इस एज को, बाल्य अवस्था को डर्टी एज भी कहते हैं, ये पूछा जाता है, ये याद रखें आप। तो डर्टी एज को भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है अपनी बिल्कुल परवाह नहीं कर पाता है, बिल्कुल गंदा रहता है, नाले में खेलता रहेगा, मतलब गंदी गंदी चीजें करता रहेगा, है ना, मतलब अपने आप को बहुत गंदा करके रखता है, इसीलिए इस एज को क्या कहते हैं डर्टी एज भी कहते हैं। उसके बाद होता है आपका एडोलेसेंस, एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका प्री एडोलेसेंस, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में पूर्व किशोर अवस्था, और ये जो एज होती है ना 12 से लेकर 14 साल तक होती है। और उसके बाद होता है आपका अर्ली एडोलेसेंस, इसको क्या बोलेंगे प्रारंभिक किशोर अवस्था, ये 14 से लेकर के 17 साल तक होता है। लेट एडोलेसेंस यानी कि उत्तर किशोर अवस्था 18 से लेकर के 21 साल तक होता है। अब इतना समझ में आ गया, ये तो मैंने पहले भी आपको बहुत क्या कहते हैं अच्छे से समझाया हुआ है। अब इसमें जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ छोटे-मोटे वो बता देता हूं मैं। इस एज को प्रॉब्लमैटिक एज भी कहा जाता है, इस एज को एडोलेसेंस के एज को प्रॉब्लमैटिक एज भी कहा जाता है, और इस एज को क्या कहा जाता है स्ट्रेसफुल एज भी कहा जाता है, स्ट्रेसफुल एज भी कहा जाता है। उसके अलावा क्रांति
क्रांतिकारी एज भी कहा जाता है ना, स्टॉर्मिंग एज यानी कि तूफानी एज भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये दे दिया जाता है प्रॉब्लमेटिक एज क्यों कहा जाता है और उसका सोल्यूशन क्या है ऐसे। तो मैं वो सारी चीजें आज डिस्कस करूंगा। तो ये समझ में आ गया आपको, मैंने रिकॉल कर दिया कि चाइल्डहुड क्या होता है, उसकी एज क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है वो भी बता दिया मैंने, एडोलेसेंस क्या है उसकी विशेषता क्या है वो भी बता दिया मैंने। अब जो है आज का हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंट, यानी कि इंडिया के जो किशोर बच्चे हैं यानी किशोर अवस्था के बच्चे हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। एक बात आप याद रखें, इन्होंने इंडियन तो कर दिया है लेकिन देखो हर बच्चों की समस्या एक ही होती है, ऐसा नहीं है कि इंडियन को साथ में ही ये प्रॉब्लम होगा, है ना। क्या कहते हैं कि अगर स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, अगर अल्कोहल की प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंडियन बच्चों के साथ होगा, ऐसा नहीं है, सबके साथ एक ही होता है। बट थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि इंडियन में थोड़ी सी पॉवर्टी की बिहा पर बच्चे जो है स्लम एरियाज में जाकर के प्रभावित होते हैं और फिर इन्फेक्शन होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज प्रॉब्लम सबकी एक ही होती है। चलिए प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडोलेसेंस यानी कि भारतीय किशोरों की समस्या क्या क्या होगी इसको अच्छे से समझिए और इसका समाधान कैसे किया जाएगा उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले आप समझिए प्रॉब्लम को समझिए। देखिए पहला जो इसमें प्रॉब्लम होता है वो होता है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ स्पर्ट एंड ऑकवर्डनेस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तीव्र शारीरिक परिवर्तन एवं भद्दापन समस्या। भद्दापन को क्या बोलेंगे, गवार भी बोल सकते हैं, सुस्त भी बोल सकते हैं, काहिल भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है कि तीव्र गति से बढ़ना। देखिए अब इसको अच्छे से समझिए, इस एज में ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ये जो एज ऐसी होती है जो ग्रोथ होता है ना बहुत स्पीडली तरीके से आ रहा होता है और जितनी भी ग्रोथ होती है बच्चे की वो सारी के सारी मैच्योर होने लग जाती है, जिसके बिहाव पर ये दिक्कत आती है। देखिए फिजिकली अगर देखेंगे तो इस एज में जो एज होती है, क्या कहते हैं कि 12 से लेकर के 21 साल तक जो पूरा एज होता है आपका एडोलेसेंस का, इस एज में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना बहुत तेजी से हो रहा होता है। देखना उसका शरीर बढ़ रहा होता है ना, उसका वजन बढ़ रहा होता है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, शरीर की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकली देखोगे तो वो पूरा सब कुछ बढ़ रहा है, बियर्ड आ रही है ना, तो लड़कियों में भी ये डिफरेंसिएट देखने के लिए मिलेगा आपको। उसके अलावा अगर हार्मोनल की बात करें तो, अगर बायोलॉजिकल बात करें तो इंटरनली सेक्सुअल हार्मोनल है ना, बहुत सारी चीजें जो है उसको इंपैक्ट कर रहा होता है। माइंड की बात करें तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, इमेजिनेशन की दुनिया में जीता रहता है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना वो बहुत तीव्र गति से होती है, बहुत तेजी से आ रहा होता है, जिसके बिहाव पर वो क्या हो जाता है, ऑकवर्डनेस फील करने लग जाता है। वो समझता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, हर फोर्स उसको दबा रहा है, बायोलॉजिकल जो है फोर्स उसको दबा रहा है, फिजिकली फोर्स उसको दबा रहा है, मेंटली फोर्स उसको दबा रहा है, जिसके बिहाव पर वो क्या करता है, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाता है। सोसाइटी उस पर ताने कसता है, टोंट कसता है, फैमिली बहुत सारी बातें सुना देता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं चाहिए मुझे। वो उसकी गलती नहीं है, उसकी जो तीव्र गति से जो उसकी जो है क्या कहते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, प्रॉब्लम इसकी है। तो क्या करता है कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है लाइफ से, समझ ही नहीं पाता क्या करे, जिसके बिहाव पर बहुत सारे बच्चे आज तो अब तो नहीं अब तो क्या कहते हैं बहुत कम है, पहले बहुत बच्चे सुसाइड कर लिया करते थे, गलत लोगों के हाथ में चले जाते थे, गलत तरीके से उनका बिहेव कर लिया जाता था, लड़कियों को हीरोइन क्या कहते हैं बनाने के नाम, एक्ट्रेस बनाने के नाम पर उसके साथ में गलत तरीका अपनाया जाता था, बच्चों को ले जाया जाता था उससे जो है क्या कहते हैं कि भीख मांगना, ड्रग सप्लाई कर, ऐसी ऐसी बुराइयां आ जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो एज है ना ये एकदम तीव्र गति से फैल रहा है, जिसके बिहाव पर जो है बच्चा जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। उसके बाद जो है इस एज में ब्यूटी होना या फिर हैंडसम होना बहुत बड़ा पोर्शन होता है। देखिए इस एज में और कैसे होता है, जैसे कि ब्यूटी, इस एज में बच्चा जो है ना अपने सवार सिंगार सवार को इतना ज्यादा टाइम देता है, फैशन को इतना ज्यादा टाइम देता है, कपड़ा पहनने को इतना ज्यादा टाइम, सब चीजों को बहुत ज्यादा टाइम देता है वो। यानी कि सपोज दैट कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप किसी एडोलेसेंस के एज वाले बच्चे का जो बाल होता है ना ऐसे करके उसके बाल को बिगाड़ दो, फिर देखना उसका गुस्सा क्या से क्या बक देगा आपको। तो कहने का मतलब है कि इस एज में जो ब्यूटी का जो क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट होता है ना वो बहुत बढ़ चुका होता है, क्योंकि लड़कियां जो होती है वो क्या सोचती है कि मुझे उस एक्ट्रेस की तरह से दिखना है, लड़का जो होता है वो क्या सोचता है मुझे उस एक्टर की तरह से दिखना है, तो वो उसी तरह से बनने की कोशिश करता है। कोई उसमें से कह देता है अरे तुम तो शाहरुख खान दिखते हो, फिर लो उसके लग गए 10 घंटे तक। तो उसके बाद ये कहने का मतलब है कि ये जो ब्यूटी होता है ना और इसका गलत फायदा भी उठाता है, जैसे मैंने कहा कि जो कुछ लोग आते हैं और आपको कहते हैं कि आप हीरोइन बन सकते हो और फिर जो गलत तरीके से उसका यूज करते हैं तो आपको जो है ना क्या कहते हैं कि ऐसी गंदगियां आती रहती है, इसलिए ये चीज देखने के लिए मिलता है। उसके बाद स्ट्रेस जो होता है ना बहुत ज्यादा आ चुका होता है। क्यों आ चुका होता है स्ट्रेस, यानी कि उस
स्ट्रेस यानी कि उसमें जो तनाव है, उसमें जो बोझ है, क्यों आ चुका होता है? क्योंकि वो एक तो सोसाइटी की सुन रहा है कि देखो किस तरह से बढ़ रहा है, एक तो वो स्कूल से सुन रहा है इतना बड़ा गधा हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो फैमिली से सुन रहा है कि तुम तो कुछ लाइफ में कुछ करोगे नहीं आप जैसे बेटा, तो बहुत सारी सुनने के बिहार पर बच्चा जो है स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलता है। पहला प्रॉब्लम क्या है? आपका तीव्र शारीरिक परिवर्तन एवं भद्दापन की समस्या, पहला समस्या इसमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा होता है आपका प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवसाद की समस्या, डिप्रेशन की समस्या यानी कि डिप्रेशन में चला जाना। तो डिप्रेशन क्यों आती है? जैसे कि मैंने बताया यहां पर तीव्र गति से सब कुछ बढ़ रहा है, बढ़ने के बिहाफ पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो कहां चला जा रहा है? डिप्रेशन में। वो सोचने लगता है कि मैं लाइफ में क्या करूंगा, लोग तो मुझे ये बोलते हैं, लोग तो मुझे ये कहते हैं, स्कूल में तो मुझे मोटा बोलता है, स्कूल में तो मुझे ये बोलते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो तो जान नहीं रहा होता है ना, वो अनअवेयर होता है। वो क्या होता है? अनअवेयर होता है कि उसका बॉडी इस तरीके से बढ़ेगा, है ना, हेल्दी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसी को जैसे कि कोई किसी उसको मोटा बोला तो वो पागल हो गया, सोचते कि यार मैं मोटा हूं। किसी को उसने डोले छोले देखे तो क्या कह रहा है? वो क्या कर रहा है? उसी की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। यानी कि उसके बॉडी की जो ऑर्गन्स की जो एक प्रेशर है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो अवेयर भी नहीं होता है कि इस तरीके से होगा, ये हो क्या रहा है, और किसी से वो शेयर भी नहीं कर पाता, चाहे वो लड़कियां हो। उसके इंटरनली जो क्या कहते हैं एक्सचेंज हो रहे होते सारी चीजें, लड़कियां कुछ किसी से शेयर भी नहीं कर पाती है। लड़कियां अगर अपनी मॉम से बोले तो मॉम उससे झड़प जाती है। तो ये जो है ना, उसके बाद है आपका सोल्यूशन। वो सोल्यूशन भी तो नहीं जानता है ना, ये जो बढ़ रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही है, दिमाग जो इतना ज्यादा खराब हो रहा है, लोग जो इतना बोल रहे हैं उसको, ये एक्सपेक्टेशन जो रखे हुए हैं है ना, समाज का जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर में, तुम ये करो तुम वो करो, उससे नहीं हो रहा है। स्कूल का एक्सपेक्टेशन है तुम ये करो वो करो, बेचारे से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तीव्र गति से जो सब कुछ बढ़ रहा है ना, इससे प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सोल्यूशन भी तो नहीं जानता है ना, कैसे होगा ये जो सारी चीजें जो हो रही है मेरे इंटरनली जो बढ़ रही है। सपोज दैट कि हार्मोनल जो होता है, सेक्सुअल हार्मोनल जो है यहां पर आकर के क्या होता है, एकदम मैच्योर हो चुका होता है। अब उसका सोल्यूशन भी तो नहीं जानता है ना वो, इसीलिए तो गलत तरीके से गलत प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि उसका सेक्सुअल क्या कहते हैं हार्मोन जो है उसको प्रेस कर रहा होता है पूरी तरीके से। अब वो जानता भी तो नहीं है ना, गलत गलत तरीके से गलत गलत गंदी आदतें लग जाती है, क्योंकि उसका सोल्यूशन ही नहीं जान रहा है वो, और जो सोसाइटी भी नहीं बता रहा है, और ना फैमिली बता रहा है, ना ही स्कूल में इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, जिसके बिहाव पर वो गलत तरीके को अपना लेता है। उसके बाद होता है आपका अनहैप्पी, बहुत अनहैप्पी रहना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो बेचारा सोचता रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं क्या करूं इसका। उसके बाद होता है आपका प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम एंड कंट्रोल। फ्रीडम एंड कंट्रोल की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जब इस सोसाइटी में आपको भी पता है कि चाइल्डहुड में जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है। सोशलाइजेशन शुरू होती है तो वो क्या करता है, वो ग्रुप बनाना शुरू कर देता है, ग्रुप का लीडर बनेगा, यानी कि उसको सब लोग नेता नेता कहेंगे, ग्रुप लीडर नहीं नेता कहेंगे, तो वो नेता बनना बहुत पसंद करेगा। तो अब जो है ग्रुप बन रहा है, ग्रुप के बिहाफ पर क्या हो रहा है कि वो क्या कर चाह रहा है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किस तरीके से चाहिए? जैसा मैं चाहूं जीना, डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम मुझे चाहिए, यानी कि मैं नेता हूं अपने ग्रुप का, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, जैसे स्कूल आऊं या नहीं आऊं, स्कूल बंक करूं जो करूं मैं उस तरीके से। तो यहां पर वो फ्रीडम चाहने लगता है बहुत ज्यादा, और फ्रीडम उसको नहीं मिलती है। फैमिली में उसको फ्रीडम इसलिए नहीं मिलती है कि फैमिली जो है आपको कंट्रोल करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप जो है ना क्या करोगे, क्या कहते हैं कि आप जो है स्कूल बंक कर रहे हो, स्कूल से भाग रहे हो, घर से भागने की बात कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि जैसे आप लाइफ चाहो वैसे जियो, और आपको समझ तो है नहीं इस तरह की। तो ये क्या होता है ना कि वो फ्रीडम चाहता है कि नहीं मुझे आजादी चाहिए, क्या करेगा, कहीं दिल लगा लेगा, कहीं प्यार कर लेगा, किसी से क्या कहते हैं कि सौदा कर लेगा कि मैं पैसे कोई लोग उसको खरीद लेगा कि तुम ड्रग सप्लाई करो। मैं वो फ्रीडम चाहता है, वो कहता है कि मैं जो चाहता हूं वो करने दो। वो पता क्या बोलता है इस एज में, ये बोलता है कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दो, मैं जानता हूं। तो क्या होता है ना, किसी गलत हाथ में क्या होता है, लड़कियां जो है किसी से झूठे वूटे वादे करके गलत प्यार में पड़ जाती हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि वो लोग दोनों गाना गाते रहते हैं कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे यहाँ कोई हमें जीने नहीं देगा। क्योंकि उसको क्या लगता है, फैमिली भी उसके अगेंस्ट में है, सोसाइटी भी उसके अगेंस्ट में है, बस कौन उसके उसके लिए है, बस उस जिससे वो प्यार करते हैं। तो ये जो झूठी चीजें हैं ना, ये दिमाग में घुसता ही नहीं उस टाइम में, समझ में नहीं आता, इसीलिए पागल की तरह से कुछ लोग नस काटते हैं, कुछ लोग दुनिया छोड़ते हैं, मतलब बहुत गंदी गंदी चीजें होती है। तो वो क्या चाहता है कि मुझे फ्रीडम दो, उसके साथ रहना है, उसी के साथ जिंदगी जी। अरे फ्रीडम किस बात का चाहिए आपको, अपनी लाइफ बर्बाद करने का? तो ये फ्रीडम नहीं हो पाता है जिसके पर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आता है। उसके बाद जो होता है ना कंट्रोल, यानी कि स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की जो समस्या होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग उसको नहीं दिया जाता है।
है ना, तो वो क्या करता है ना, उसके बगल में जो देखा देखता है तो उसके बाद जो है कंट्रोल उस पर किया जाता है, जैसे कि स्कूल में कंट्रोल किया जा रहा है, इतने टाइम तक पढ़ोगे, इतने टाइम तो तुम यही बैठोगे, जाओगे नहीं, हिलोगे नहीं, तो ये कंट्रोल उसको बर्दाश्त नहीं है, उसको कंट्रोल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन हो चुका है ना, वो कंट्रोल नहीं करना चाहता है, वो कहता नहीं मेरी जिंदगी है, मैं चाहूंगा जैसे जीऊंगा, मेरी मर्जी है। तो ये फ्रीडम और कंट्रोल वाले जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना, वो पेरेंट्स को बुरा भला कह देते हैं, घर से भागने की बात करने लग जाते हैं, उसके बाद जो है किसी के साथ भाग जाएंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसा मतलब कर लेंगे, तो ये सारी चीजें जो होता है ना, वो फ्रीडम बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको नहीं मिलने पे दिक्कत आती है, और कंट्रोल उस पर बनाया जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि कंट्रोल वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये था तीसरा प्रॉब्लम। अब जो होता है आपका प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान की समस्या, स्मोकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जैसे मैंने बताया, उसका फिजिकल हार्मोनल बढ़ रहा है, दिमागी जो है मानसिक संतुलन हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि दिमागी जो क्षमताएं बहुत तेज बढ़ रही है, जिसके बाद वो क्या करने लग जाता है, तो क्या कहते हैं कि यानी कि अलग अलग चीजें करने लग जाता है, जैसे कि वो खैनी खाएगा, सिगरेट पिएगा, स्मोकिंग करेगा, बहुत सारी चीजें वो करना शुरू कर, क्यों कर देता है, क्योंकि उसका जो दिमाग है ना वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, उसका दिमाग एकदम अजीब अजीब से चीजों को सोचता रहता है। वो जानता तो है कि टोबैको इज पॉइजन, यानी कि उसके लिए, उसके हेल्थ के लिए वो क्या है, पॉइजन है, क्या करता है, कैंसर का रीजन बनता है, इंजूरियस फॉर हेल्थ होता है, ये सब तो जानता है, लेकिन वो तीव्र गति से बढ़ने के बिहाव पर उसको जो अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलता है, जिस बिहाव पर वो गलत संगत में पड़ जाता है, और वो क्या करता है, यहां पर आकर के वो क्या करता है, धूम्रपान करना शुरू कर देता है, और इससे अपनी हेल्थ को खराब कर लेता है, और इस तरह से समस्या आती है कि वो उसका दिमाग आगे काम नहीं करता है, उसको चीजें याद नहीं रहती है, 20 से 21 साल की एज में ही उसको चीजें याद नहीं रहती है, क्योंकि धूम्रपान से इंटरनली जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, आप भी जानते हैं ये बात। उसके बाद होता है आपका प्रॉब्लम ऑफ एड्स, एचआईवी, है ना, ये जो है इसकी समस्या, एड्स और क्या कहते हैं, एड्स और एचआईवी जो होता है, आपको भी पता है ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इंसान धीरे धीरे से खत्म हो जाता है, उसका शरीर खत्म हो जाता है, है ना, ये इसको क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू सेक्सुअल इन्फेक्शन, ये क्यों होता है, ये रोग क्यों होता है, ये जो एचआईवी है या एड्स बोलेंगे, तो ये क्यों होता है, ये सेक्सुअल इन्फेक्शन से होता है। सपोज दैट कि कुछ लोग सेक्स बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, बहुत ज्यादा इसी में लगे रहते हैं, गंदे तरीके से, जो तरीका नहीं बनाया भगवान ने, उस तरीके से सेक्स करना शुरू कर देते हैं, उल्टे उल्टे तरीके से, जैसे और भी चीजें इसमें आती है, जैसे कि जो इन्फेक्शन होता है, ये वायरस होता है, ये जो एड्स एचआईवी होता है, आपको भी पता है इन्फेक्शन से ही होता है, जिस तरीके से सपोज दैट क्या कहते हैं कि लड़कियों के पीरियड आते हैं, तो लड़कियों के पीरियड जो आते हैं वो तो समझ ही नहीं पा रही है ना, और मम्मी भी उसको नहीं बता रही है कि इस तरीके से बच्ची सफाई रखो, इसका इस तरह सारी चीजें जो होती है ना वो नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है कि उसमें क्या इस एक तरीके से क्या बन जाता है, वायरस बन जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके यहां पर ये बीमारी होती है, अलग अलग लोगों के साथ में जो है ज्यादातर सेक्स करना, इधर उधर से सेक्स करना, ये सारी चीजें करना, और उसके बाद में वायरस बन जाना और उसका इन्फेक्शन फैल जाना बॉडी में, इससे क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम भी इस एज में बहुत मिलती है। जैसे कि मैंने बताया ना, इस एज में बच्चों को बहकाना बहुत इजी होता है, उसको बहका दिया जाता है, गलत संगत में चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसको दिलासा देते हैं, है ना, दिलासा देते हैं, तुमको पैसा दे देंगे, तुमको हीरोइन बना देंगे, तुमको ये दौलत मिल जाएगी, और उसको उससे क्या करते हैं, ड्रग सप्लाई करवा रहे हैं, गंदी चीजें करवा रहे हैं, आपको भी पता है सारी चीजें, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, और जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, वायरस फैलता है, और एड्स जैसी बीमारियां होती है। उसके बाद होता है आपका प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहल, यानी कि मदिरापन की समस्या, अल्कोहल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है बहुत सारी संगत को झेल रहा है, सोसाइटी को झेल रहा है, और स्कूल को झेल रहा है ना, क्यों, क्योंकि टॉन्ट कर रहा है सोसाइटी, फैमिली बोल रहा है तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या फिर किसी गलत संगत में पड़ गया, अब जो है उसका फायदा उठा रहा है, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब वो क्या करेगा ना, वो क्या करेगा, दारू यानी कि रम पीना शुरू कर देगा, बियर पीना शुरू कर देगा, वोडका विस्की, इस तरह से जो है लत लग जाती है। कुछ लोग तो पता है ये सब चीजों, अल्कोहल जो है ना, कुछ लोग तो पता है किस लिए पीते हैं, इसलिए कि अपनी शान बनाने के लिए, कुछ लोग सच में शान बनाने के लिए पीते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि ये मेरी परंपराई चीज है, मुझे पीना चाहिए, है ना, भले ही पी करके वो किसी के साथ में गलत कर रहा है, तो ये ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती है, तो यहां पर ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद होता है प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का जो प्रॉब्लम होता है, यहां पर आपने देखा होगा कि लोग जो है ना अपने नसों में जो है अफीम वफीम का यूज करते हैं नाकों में, और क्यों, क्योंकि वो दिमाग को शांत देना चाहते हैं, क्योंकि वो बढ़ रहा है ना, कोई शांत कौन देगा उसको, वही सब चीजें देगा जो थोड़ी देर के लिए उसको उसके ऊपर हिप्नोटाइज कर सके, हीरोइन का यूज कर रहा है, कोकीन का यूज कर रहा है, ये बड़े बड़े ड्रग्स है जिसको क्या करता है बच्चा जो है पागल होकर के, जब सब क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है ना, अपना दिमागी संतुलन नहीं बना पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है सोसाइटी से, सोसाइटी उसको ताने कर रही है, फैमिली सब उसको ताना कर रहा है, तो वो ऐसी चीजों में पड़ जाता है। उसके बाद होता है आपका
प्रॉब्लम ऑफ डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि अपराधी होना। यहाँ पर आकर के ऑब्वियसली बच्चा नहीं समझ रहा होता है, उसको जो है ह्यूमैनिटीज यानी कि मानवता की जो है उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, या फिर घर में उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो वो अपराधी करने लग जाता है, अपराधी बन जाता है। कैसे? किसी की चीज़ें चुरा लेगा, किसी का सामान यहाँ से वहाँ कर देगा, गाड़ी चुरा लेगा, पॉकेट मार लेगा, सामान उठा लेगा, है ना। ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो है क्या कहते हैं रन अवे फ्रॉम द होम, घर से भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि किसी से क्या कहते हैं कि संगत में पड़ गया था, स्टीलिंग सामान बहुत चुराएगा, कहीं जाएगा वहीं से जाके सामान उठा लेगा, है ना। ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। सेक्सुअल प्रॉब्लम मैंने बताया आपको, यौनिक समस्या जो मैंने बताया है आपको, यौनिक समस्या, क्योंकि इस एज में जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है बिल्कुल एकदम मेच्योर हो चुका होता है, और उसकी उसमें एक तरह से एकदम प्रेशर आ रहा होता है, जिसके बिहाव पर वो गलत हाथों में पड़ता है और बुरी तरीके से वो गलत चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। तो ये थी सारी प्रॉब्लम जिसको लिख करके आप 110% बेस्ट मार्क ला सकते हो दूसरों से। अब जो है सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो ये देखना है कि क्या रोल रहेगा फैमिली का, कम्युनिटी का, और टीचर का क्या रोल अपनाना चाहिए। आप भी एक टीचर है, आपके साइड में भी एक फैमिली है, और आप कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, तो इन सारे के बिहाव पर आप ये समझिए, ये पूछा जाता है कि सोल्यूशन क्या होगा इनका, किस तरीके से आप सोल्यूशन निकालेंगे। फैमिली के बिहाव पर देखेंगे तो आप क्या करो, गुड ट्रेनिंग यानी कि उसको अच्छी तरबियत दो, अच्छी तरीके से व्यवहार करो, गुड ट्रेनिंग दो उसको, बच्चे ऐसे नहीं करते, बच्चे ये गलत है, बच्चा आपकी एज ही इस तरीके से, आप ये मत करो। ये चीजें जो है ट्रेनिंग आपको घर पे देनी पड़ेगी अच्छे से, और उस तरीके से आपको वातावरण बनाना पड़ेगा अपना घर का। उसके बाद होता है आपका फ्रेंडली बिहेव। पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे के साथ में उसके साथ समस्या शेयर करे। पेरेंट्स अपना जो है एकदम ये जो है क्या कहते हैं कि एग्रेसिव होकर के नहीं कभी उसके साथ में बात करे कि तुम जलील हो, तुम गलत हो, ये बिल्कुल नहीं करे। क्या करे कि फ्रेंडली बिहेवियर, बच्चे क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, ये चीज कैसे हुआ, आपको किसी से ये है, ठीक है, ये चीज सोल्यूशन निकाल लेंगे। फ्रेंडली, बेटा तुम मुझे नहीं बताओगे, मैं तुम्हारा दोस्त समझो, मुझे बताओ क्या हुआ, किसने कहा, क्या कहा। तो इस तरीके से जो बिहेव करोगे तभी इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। उसको गाइडेंस करते रहो, बच्चे आज क्या सीखा तुमने, बच्चे तुमने बेटा आज तुमने क्या किया, बेटा आज तुमने क्या सीखने के लिए मिला, बेटा हमारे जिंदगी में तो हम ये करते थे, तुम्हारे एज में हम ये करते थे, तुम्हारे एज में अबुल कलाम आजाद को देखिए, तुम्हारे एज में जवाहरलाल नेहरू, ये सारी चीजें जो है ना गाइडेंस और काउंसलिंग हर वक्त करने की जरूरत है। उसके बाद होता है अंडरस्टैंड यानी कि बच्चे को समझो बहुत अच्छे तरीके से कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसको बहुत अच्छे से समझो, ये फैमिली की बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद होता है आपका कम्युनिटी। जैसे कि कम्युनिटी का रोल क्या होता है, ताने देना, है ना, जैसे कि सोसाइटी में बैठ के फलां की लड़की ये कर रही है, फलां का लड़का वो कर रहा है, यही तो काम होता है ना कम्युनिटी का। और वो इतना टोंड कसता है कि बच्चा जो है बाहर निकलना भी छोड़ देता है, है ना, बाहर के निकलना तो क्या, वो पढ़ाई बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो टोंड जो कसता है ना उसको वो चाहिए कि वो टोंड नहीं कसे, बल्कि क्या कहते हैं सहयोगी बने उसका। उसके बाद है सॉल्व द प्रॉब्लम, बच्चे की जो प्रॉब्लम है ना उसको सहयोगी बने कि उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने में। उसके बाद होता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। कम्युनिटी को, सोसाइटी को यह चाहिए कि बच्चे को ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाओ, है ना, ये मत टोंड वर्ड मत कसो। उसके बाद होता है आपका टीचर्स रोल। टीचर्स रोल में सबसे पहला आता है गाइडेंस काउंसलिंग, यानी कि जब भी आप इस एज को पढ़ाएं, किशोर अवस्था को पढ़ाएं, तो गाइडेंस और काउंसलिंग हमेशा से रखें। सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करवाएं बल्कि उसकी जो तरबियत है, उसका जो उसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से कराएं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज को हो, चाहे वो काइंडनेस को हो, की हो यानी मानवतावादी, हर चीज़ की अच्छी अच्छी गाइडेंस आप करें, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दें कि बच्चे ऐसे एज में लोग गलत संगत पढ़ लेते हैं, आप ऐसा नहीं करें बच्चे, आप यही एज है आपका जो जिंदगी बना सकते हो, ये करें आप। उसके बाद होता है आपका प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, आप उसको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दो ना, आप उसको उसके अंदर में जो स्किल है उस स्किल को बढ़ावा देने के लिए आप प्ले ग्राउंड में लेके जाओ, स्पोर्ट्स खेलने दो उसको, खेल मतलब जितनी चीजें वो कर सकता है उसमें लगा करके ना आप उसके दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करो वहां से, क्योंकि वो जो बॉडी बढ़ रहा है, उसके दिमाग जो बढ़ रहा है, उसको साइंस दो ना पढ़ने के लिए, उसको रिसर्च दो ना करने के लिए, फिर देखो किस तरीके से वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान बन जाता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद होता है आपका हेल्थ एजुकेशन, दोनों हेल्थ एजुकेशन हेल्थ के बारे में बता ही नहीं रहो, बच्चा गलत संगत में पड़ जा रहा है, गलत चीजें कर रहा है, आप उसे क्या कह रहे हो कि भाई तंबाकू या सिगरेट बहुत गलत बात है, अरे आप उसको समझाओ ना कि ये आपकी जिंदगी ले लेगा, ये आपको कुछ नहीं बनने देगा, आप माँ बाप को क्या अकेले छोड़ दोगे, ये सारी चीजें आप समझाओ। उसके बाद होता है स्पोर्ट इंटरेस्ट, आप उसको खेल में भी तो लगाओ ना, खाली पढ़ाई 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 नहीं घुसेगा उसके दिमाग में, वो तो बहुत बेस्ट इंसान बच्चा है वो, उसके दिमाग में बहुत सारी कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि आपका जो क्या कहते हैं कि जिन प्याजे क्या कहते हैं कि वो नन्हा साइंटिस्ट है ना, वो नन्हा साइंटिस्ट हो, अब उसको इंटरेस्ट तो दो, देखो ना फिर उसकी साइंस कहाँ कहाँ दौड़ता है। उसके बाद होता है कि सेक्स एजुकेशन जरूर दो, क्योंकि बच्चा जो है गलत संगत में पड़ेगा और फिर वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। तो ये था आपका एडोलेसेंस और चाइल्डहुड की प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन, जिसमें से हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप टीचर है आप, और आपसे उम्मीद की जाती है आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।